परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्वविदं अवान्तं द्यावाग्विधेयो जिदमान्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गाय सन्धि केचिन्नि प्राञ्जलयोगिणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः कोशलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सहस्रदे नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकृष्णस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तरीयानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाप्तो हिततो हि सर्व सभेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहि मानवेदम् मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामहे त्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नित्यस्तवोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायतायम् प्रसादये त्वा महमीशमीयम् सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देव सोऽहम् अमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ 10वां अध्याय श्लोक संख्या 21 से 30 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु आदित्य नमः विष्णु ज्योतिषां रविरल्सुमां मरीचिर्मरुतामस्ति नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवो इन्द्रियाणां मनस्तस्मि भूतनामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करस्तस्मि वेत्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकस्तस्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधुशान्तमुख्यं मां वृद्धि पार्थ बृहस्पति
सेनानी नामः स्कन्द सर्वमस्मि सागर महर्षीनां त्रिगुरहं विरामास्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चेत्वरथ सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चैस्तवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपाम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधो प्रजनसात्विकं दर्प सर्वानामस्मि वासुकी अनन्तस्तास्मि नागानां वरुणो यादृशामहम् पितॄणामर्यमासस्मि यमसंयमतामहम् प्रह्लादस्तास्मि दैत्यानां कलदतामहम् मृगानां च मृगीर्वोहि वैनतेयश्च पक्षिणां प्रह्लादोऽस्तास्मि दैत्यानां कलदतामहं मृगानां च मृगीर्वोहि वैनतेयश्च पक्षिणां वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 नवंबर 1992 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम राम।
विचार करने का है, तात्विक बात का प्रश्न होना चाहिए। कोई अभी प्रारंभ का प्रश्न आया है तो कोई कह देंगे कोई बात नहीं, उसमें भी आ जाएगी तत्व की बात, परंतु ऐसा गहरा विषय इस वक्त में होना चाहिए कि थोड़ा समय होता है या सात्विक समय है। ये नींद उठने के बाद फिर एक बड़ी शांत वृत्ति होती है, दिन भर का वो कोलाहल बीच में रहता है इसमें नहीं रहता है, नींद लाने में शांति हो जाती है। प्रश्न आया है क्या प्रावधिकम भी टाला जा सकता है? क्या जो प्रावधिकम टाला जा सकता है दो तरह से होता है। पूछने का अर्थ तो ये है, पूछने का भाव मेरी समझ में कि वो प्रावधिका टल जाएगा, नहीं होगा ऐसा है तो वो भी होता है, टाला जा सकता है। और वास्तव में क्या चीज है कि अपने साथ में कर्म का संबंध है ही नहीं, पदार्थ और क्रिया है ना, पदार्थ एक तो एक क्रिया, ये वस्तु है, सब शरीर जितने है पृथ्वी वायु आकाश इनसे उत्पन्न वाली जितनी के वस्तु है पदार्थ है, और एक इनमें होने वाली क्रिया है हलचल है, वो हलचल है वो क्रिया है, और उसमें अहंकार साथ मिल जाते है, काम साथ कामना हो जाती है तो वो कर्म हो जाता है, मन शुभ अशुभ फलजनक हो जाता है, शुभ अशुभ फलजनक होता है उसको कर्म कहते हैं, जो ऐसी क्रिया होती है उसको क्रिया कहते हैं। जैसे वृक्ष हलता है, जैसे आप श्वास लेते हो, जैसे बालक छोटे से बड़ा होता है, आंख खोलते मीचते हो, जैसे भोजन का पाचन होता है, ये क्रिया है, इसमें पाप पुण्य नहीं लगता। यहाँ के कोई से पाप लग जाएगा, श्वास लिया तो पाप लग जाएगा, तो पुण्य हो जाएगा, पाप ये क्रिया है। अहंकार पूर्वक किया जाए, जैसे प्राणायाम किया जाए, आंखों में खोलना मिश्रा उद्योग से किया जाए, ऐसे किया जाए तो वो कर्म हो जाता है, मानो फलजनक हो जाता है। तो प्रारब्ध नाम उसका है जो अनेक जन्मों में किए हुए कर्म है, उन कर्मों में उस विभाग को कहते हैं कि जो इस जन्म में भोगने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तीन बात है इसमें, जन्म का होना और सुख दुखदायी परिस्थिति का होना और आयु का होना, ये तीन फल कर्म का है। तो विभाग को जात्यायुर्भोग, तो जन्म होना, उम्र होना और सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना, ये कर्म का फल होता है। तो सुखदायी दुखदायी जो परिस्थिति आती है वो भी टाली जा सकती है, परंतु असली टालना वो होता है सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का अपने पर असर ना पड़े, असली टालना वो है। जो तात्विक बातें हैं, भगवत प्रेम की बातें हैं, तत्व ज्ञान की बातें हैं, योग की बातें हैं, इनसे क्या होता है कि वो परिस्थिति सुखदायी आवे दुखदायी आवे कोई असर नहीं पड़ता। कर्मों का फल परिस्थिति है, सुख दुख नहीं है। ये विषय थोड़ा समझने का है, मानो अनुकूल परिस्थिति आने से हम सुखी होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हम दुखी होते हैं, ये सुखी दुखी होना है ये है मूर्खता का फल, अज्ञान का फल, अनजानपना का फल,
ये कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का फल तो परिस्थिति है। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति हो जाएगा, धन का आना जाना हो जाएगा, मान अपमान हो जाएगा, निंदा प्रशंसा हो जाएगी, रोग निरोग हो जाएगा, जहां लाभ जीवन मरण दस अवदस विधिहास, ये कर्मों का फल है। इसमें दुख आने पर हम परिस्थिति दुखदायी होने से दुख भी कर सकते हैं, दुखदायी परिस्थिति में प्रसन्न हो सकते हैं, इसमें हम स्वतंत्र है। दुखदायी परिस्थिति में दुख ही हो जाए ये नियम नहीं है। खूब समझना इस विषय को अच्छी तरह से। जैसे नारद जी महाराज ने अपने पहले जन्म की बात बताई तो छोटी अवस्था में माँ मर गई, सांप काट गया, माँ मर गई। तो माँ का मरना ये प्रारब्ध का फल है। बच्चा अवस्था में माँ मर जाए तो दुखदायी परिस्थिति होगी, पर नारद जी महाराज खुश हुए, प्रसन्न हो गए कि बहुत ठीक है, माँ तंग कर दी, गा जा भोजन कर दे, ये कर रहे ये कर रहे, मेरे भजन में बाधा लगती थी, अब खुले हो गए अपने। तो जंगल में निकल गए, झरने का पानी पीकर बैठ गए, समाधि लग गई। तो प्रारब्ध का काम तो था माँ का मरना, पर दुख नहीं है कि दुखी होना मूर्खता का फल है, प्रारब्ध का फल नहीं है। तो सुखी होना दुखी होना ये तो बिल्कुल अज्ञान का फल है, मूर्खता का फल है, अनजान पने का नतीजा है। और जानकारी अपने प्राप्त कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें प्राप्त कैसे ही आवे चाहे हमारे कोई असर नहीं होगा, तो ये बिल्कुल टल जाएगा। जैसे दूसरे शरीर को सुख दुख होता है, मानो उसके रोग हो गया निरोग हो गया, तो अपने क्या ज्ञान तो होता है कभी ये रोगी है ये निरोग है, इसका रोग था रोग मिट गया है, ऐसे ज्ञान तो होता है। पर उनसे सुखी तो भी होते हैं क्या हम? इंग्लैंड में एक 10 लाख का नफा हो गया, सुन लिया, पर 10 लाख के नफा का आनंद आता है कि 10 लाख का घाटा लग गया तो क्या दुख होता है, सुन लिया। ऐसे ही इस शरीर पर होने वाले सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का अपने पर असर न होना ये ज्ञान है। तत्व ज्ञान हो जाता है, भगवान में प्रेम हो जाता है, समता आ जाती है, तो उस समय ये सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का अपने पर असर नहीं होता। तो ये बिल्कुल हो सकता है, सुखदायी दुखदायी विभाग ही अलग है। सुखी दुखी होना तो अपनी मूर्खता है, ऐसा विभाग है, ऐसा रहेगा, ये तो आएगा ही, ये टलेगा नहीं। इसको भी कोई कर्मों के द्वारा टाले तो टाला जा सकता है, मन टालाने का वो उद्योग ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। और ये जो अपने पर असर न पड़े ये फायदा तो बहुत ज्यादा है, और उतना परिश्रम नहीं पड़ता इसमें, कभी किसी जन्म में भी दुख नहीं होगा। अगर तत्व ज्ञान हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, तो इस जन्म में क्या है, कभी दुख नहीं होता। यंग लब्धवाचा परम लाभ हम मन्य से नाथ गंगत, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ जानने में नहीं आता, समझ में नहीं आता, इससे बढ़कर कोई लाभ होता, लाभ की आखिरी हद है। और जिसमें स्थित होने पर गुरु ना भी दुखे न विचार लेते, बड़े भारी गुरुतर दुख से भी वो विचार नहीं किया जा सकता, दुख आता रहे बेचारा। जैसे हम घर में बैठे हैं, ऊपर वर्षा हो जाए चाहे ओला गिरे कुछ भी करे, तो अपने को क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान तो होता है भाई वर्षा हो रही है ओला गिर रहा है, ज्ञान होता है, पर हमारा दुख नहीं होता। इस तरह से ही ज्ञान होने पर, तत्व बोध होने पर जड़ता से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो जड़ता के वो सही के ऊपर कोई घटना घटे उसमें दुख नहीं होगा। बुखार में बहुत प्रसन्नता हो जाती है, 3-4 डिग्री बुखार है ऐसे, पर उसमें भी हम बहुत खुश हो सकते, प्रसन्न बिल्कुल, और दिन जरूर पड़ेंगे, दुखी हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, कैसे हो गया,
इधर घर में कोई मर जाए तो उसमें दुखी हो जाते हैं, परंतु बोध हो जाने के बाद में उपराध का काम आ जाएगा, दंड नहीं होगा, आ गया ठीक है, ज्ञान हो जाएगा। अनुकूल प्रतिकूलता का ज्ञान होना दोषी नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता से सुखी दुखी होना दोष है। न प्रतिशत प्रियम प्राप्य, प्रिय की प्राप्ति होगा हर्ष नहीं होगा, नो दिजे प्राप्त प्रियम, अप्रिय को प्राप्त होने पर उद्वेग नहीं होगा, दुखेशु अनुद्वेग बना सुखेशु उद्वेग प्रिय, दुख दुख आ जाए तो उद्वेग नहीं होता और सुख में स्प्रिया नहीं होती। विहित राग भय क्रोध है, विहित भय क्रोध हो, ये सब चल जाते हैं। तो प्रारंभ हमारे क्या हर्ष हुआ, बेटे के मरने से अगर दुख न हो तो रोजाना बेटा हमारे हर्ष क्या हुआ, वियोग होना है, मरा वियोग है ना, तो यहाँ से कहीं चला जाए बेटा तो वियोग हो गया, तो उसमें कहते नहीं जीता है दुख नहीं होता, मर गया दुख होता है, अरे यहाँ से चला गया तो मर गया और मर गया तो चला गया, दुख क्या है, ये संयोगी तो होने वाला है, होने वाली बात ही होती है, होना है वही होगा, अनहोती होती नहीं, होनी वैसे हो, अनहोती तो होती नहीं, ऐसे होने वाली होगी वो अवश्य होगी। अब उसे दुख क्या, सुख क्या, धन आएगा राजी क्या हुए, धन से आएगा दुख क्या हुए, आता है जैसा है। अब धन के कारण से ही सुखी होते हैं तो आने जाने में क्षमता नहीं होगी, सुख का अवलंबन आपने धन को मान लिया, ऐसे संयोग का सुख मान लिया, तो कुटुंब का साथ रहना वो ठीक है, वो ठीक मान लिया, और मर जाएगा दुख हो जाएगा, तो ये तो आपने मान लिया, जबरदस्ती दुख खेच कर ले लिया, अब सुखी दुखी होते हैं, तो क्यों सुख करने पर रहे क्यों, ठीक है भाई जितना दिन है ठीक से करो, एक आदमी सास में रहे और मर गया तो अपन पाठ करते करते अध्याय पूरा हो गया, अब दूसरा अध्याय सांग योग नाम द्वितीय अध्याय, अब रोएंगे क्या अध्याय पूरा हो गया, अध्याय पूरा हो गई, ऐसे एक आदमी मर गया अध्याय पूरा हो गया, वो एक बड़ी चिंता बच गई, जीते जो चिंता रहती है रोटी है कपड़ा है मकान है उसका प्रबंध करना होता है, अब मर गया तो और कर दो उसका तुम काम, अब समाप्त हो गया, उनका सुख दुख है ही नहीं, तो जीते हुए का सुख दुख होता है, मरने का दुख आएगा, अज्ञान उनसे सुख चाहते हैं तो दुख होगा, तो प्रार्थ का काम क्या है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति उपस्थित कर देना, ये प्रार्थ का काम है, सुखी दुखी करना प्रार्थ का काम नहीं है, क्योंकि प्रार्थ कर्मों से बना है और कर्म का विभाग बाहर है, भीतर है नहीं, तो बाहर से परिस्थिति बनेगी, भीतर नहीं उसे। इस बात से प्रार्थ बदला जा सकता है, जा सकता है, और प्रार्थ टलायु या विचार प्रार्थ का विभाग अलग है, हम दरवाजे पर खड़े हैं और मोट ने बहुत आई, बहुत राशि हुई यार मोट ने खूब आई खूब आई, एक दिन चार खड़े मोटर नहीं आई तो दुखी हो गया, आज तो मोटर नहीं आई, तो अच्छी बात धूल कम उड़ी हंस क्या हुआ, हर दुखी हो जाएंगे, आज मोटर तो आई देखने को नहीं मिली, दुखी हो गए क्यों दुखी हो गए, सुखी दुखी क्या मतलब, ऐसे मोटरों का आना ध्यान जो इसलिए से धन आ गया चला गया, बेटा हो गया और बेटा मर गया आ गया चला गया, ये आते जाते रहते हैं, आग मापा इन अनित्य आने जाने वाले हैं अनित्य है, उसको क्या तो सुखी हो गए क्या दुखी हो गए, इसमें क्या राजी हो क्या नाराज हो, ये तो होने वाली है होना रहेगा, अब रात हो गई एक आदमी मर जाता कहते हमारे घर में अंधेरा हो गया, अरे हमारे घर में क्या था, दुनिया में अंधेरा हो गया, हिंदुस्तान में अंधेरा हो गया, सूरज मरने से तो रोते है क्या, अंधेरा तो हो गया, सूरज हो गया प्रकाश हो गया,
ठीक है अंधेरे में अंधेरे में काम करो बत्ती कर लो, दिन में काम करेंगे। ऐसे संयोग वियोग होते रहते हैं, प्रारब्ध के कारण से संयोग वियोग होते रहते हैं। ये तो होगा, प्रारब्ध का काम है, ये सुखी दुखी होना प्रारब्ध का काम नहीं है। सत्संग करने से, शास्त्रों के पढ़ने से, ज्ञानी महापुरुषों का संग करने से यही तो विद्या आती है। पूरे है मर्द हर हाल में खुश है, हर एक परिस्थिति मानने से मौज है, दुखी हो गए दुखी होने कोई कारण नहीं है। ये तो होता है, ये तो संसार का स्वरूप है, अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है। ये तो आएगा, वो संसार से ऊंचे उठ गए, ये है तेजता स्वर्गो, ये सांग साम्य स्थित माना। जिन पुरुषों का साम्य अवस्था में मन स्थित हो गया उन्हें संसार को जीत लिया, क्षमता में ही हुई सुख दुख का असर पड़ता है तो संसार से वो हार गया संसार जीत गया। अब जो साम्य समय हो गया तो संसार मात्र जीत गया, क्योंकि उनको असर पड़ता ही नहीं, ज्ञान हो जाता भाई ये मर गए, ये जन्म गए, ये रुपया आ गया, रुपया चला गया, संयोग हो गया, ये वियोग हो गया, ये मिल गए, ये बिछुड़ गए, बस तो बिल्कुल हो सकता है। थोड़ा सा विचार कर सो जाए, इसको प्रत्यक्ष अनुभव है कि जब सत्संग करते रहते हैं उस समय में नफा नुकसान का असर ज्यादा नहीं होता है। आप व्यापारी हो उनका भी ये अनुभव मेरी समझ में तो है अनुभव, जब रात दिन लोभ में लगे हैं और रुपया पैसा दो दो पैसा का ख्याल करते हैं उसमें थोड़ा सा अधिक लग जाते नहीं, खास कर सकते इतना नुकसान कर दिया, बड़ा बुरा लगता है। एक आदमी गया झाड़ू ले आया, तो झाड़ू ले आया पांच पैसों में दो झाड़ू आते थे और तीन पैसों में एक आया, तो ऐसे ही गया तो दो पैसा थे तीन पैसा देते चार पैसा देते झाड़ू दो आ जाते, तो वो इसमें एक पैसे में नाराज हो जाएगा वो, अब क्या हो गया बताओ, सौ दो सौ पांच सौ रुपये से हजार क्या हो गया। इसका अर्थ ये नहीं आप निगाह मत रखो, निगाह रखो हिसाब करो, दुखी मत हो, ठीक है भाई पांच पैसों में है तो झाड़ू आता हो और तीन पैसों में एक आता हो तो आप तीन सौ क्यों पांच पैसे में दो झाड़ू दे दे, कोई अर्ज नहीं इसमें, पर दुख किस बात का है, पर वो हिसाब करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, क्या कितना कर दिया तुम्हें ऐसा कर दिया, अरे क्या कर दिया भूल होगी होगी भूल, नुकसान हो गया रोने लग जाए, दीवार निकल गया दुखी हो जाए रोने लग जाए, रोने धोने की बात है, बुखार आ गया रोने लग गया, स्वास्थ्य ठीक हुआ ठीक राजी हो गए, इसमें राजी होने की बात नहीं है। तो राजी नाराज होना है ये प्रारब्ध है, मिट जाएगा, घटना हो जाएगी हो जाएगी, घटना भी रही जा सकती है मंत्रों से प्रार्थना से देव की कृपा से संत महात्माओं की कृपा से उनके कारण से घटना भी बदल जाती है, पर घटना बदलना कोई ऊंची तरह की चीज नहीं है, ऊंची चीज तो वो है जो घटना कैसी हो दुखी नहीं होता, कैसी सुखदायी कोई सुखी नहीं होता, एक विशेष आनंद में मस्त रहते हैं हरदम, बस मूल्यवान वो है। तो हमें सदा ही परमात्म तत्व में निरंतर बने रहे, ये आने जाना उसका जैसा रहता है, ये बात है। देखो कष्ट होता है शरीर में वो और है, जान देना और दुख होना और है, दो चीज है ये। छोरा जन्मता है तो माँ को कष्ट कम होता है क्या, बड़ी भयंकर पीड़ा होती है पर दुख नहीं होता, बेटा हुआ है दुख होता है क्या, आपके कांटा कट गया कांटा निकालते हैं छोटे छोटे बस निकाल निकालो कांटा निकाल रहे हैं, पीड़ा हो रही है पर हाँ निकालो निकालो, तो पीड़ा होनी और है दुख होना और है, दुख तो हृदय में होता है, पीड़ा जहाँ है वहाँ होती है,
दुख होता है हृदय में, ये दो स्थान है अलग अलग। ये तो समझना है, ये तो वास्तव में गीता सत्संग के द्वारा ये विद्या हासिल करना है। विद्या देखिए कोई बात नहीं, दर्द होना और चीज है, दुख होना और चीज है। दर्द तो जा कट गया वहां होगा, दुख हृदय में होगा यहाँ, यहाँ का दुख मिट जाता है। दर्द तो होगा, दर्द भी कम अनुभव होगा, दुख नहीं होगा तो दुख होता हो, दर्द का अनुभव भी ज्यादा होगा, दुख सही हो जाएगी। और बोलो, यदि कोई ज्ञानी पुरुष के जीवन में निषिद्ध कर्म हो चुका तो उसका परिणाम उसे भोगना पड़ता है। तो क्या भोगना पड़ता, भोगना मिल जाएगा, कर्जा लिया है 100 रुपया तो देना पड़ेगा, ब्याज करते तो सुख हो जाएगा, हो गया तो बुरा कर्म भोग जाते, अच्छी बात कर्जा उतर गया। रुपया घर से देना पड़ता है ये तो बुरा लगता है, मन कर्जा उतरता है कितना बढ़िया काम हो गया, बुरा कर्म फल भोग गया, पाप कर दिया, अच्छा हुआ पाप कर दिया। तत्व ज्ञान ही मुक्ति है क्या? तत्व ज्ञान ही मुक्ति है क्या? तत्व ज्ञान है यही मुक्ति है क्या? हाँ यही है सर, तत्व ज्ञान को मुक्ति को यही है। सुपने में बैठो मरे कुछ में नहीं मरे और भी है क्या? तत्व ज्ञान हो जाना, मुक्ति हो जाना, केवल हो जाना, बोध हो जाना, जीवन मुक्त हो जाना, एक ही बात। नारायण नारायण सत्संग करने मात्र से फर्क पड़ता है आदमी के, सत्संग करने मात्र से बहुत फर्क पड़ता है। सपने में देखो मरे पृथ्वी पर नहीं मरे चुका है क्या? सपने में देखो मर जाए दुख हो जाए तो पृथ्वी में चल जाए क्या? दुख तो होगा सपने में, हो जागृत में होगा, अज्ञान मूर्खता से होगा, जागृत में भी होगा सपने में भी होगा, मूर्खता मिट जाएगी ना सपने में होगा ना जागृत में होगा, सीधी बात है। नारायण 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 नारायण।